ये तो है एलजी का माइक्रोवेव, हो सकता है आपके पास कोई भी कंपनी का हो, पर उनके फंक्शन सबके एक से होते हैं। अब ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है कि जो ये फंक्शन दिए होते हैं इनको यूज कैसे करना है। कुक मूड होता है आपका, इसके अलावा आप इसे कन्वेंशन मूड होता है, इसके अलावा माइक्रोवेव मूड होता है, ऐसे मतलब इसमें कुछ ग्रिल मूड भी होता है, इसको हम यूज कैसे करें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। प्री हीट में दिक्कत आती है कि प्री हीट हम कैसे करें, है ना, माइक्रोवेव को। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये हमारा माइक्रोवेव है ओपन करने पर, ठीक है, इस टाइप से होता है। आप इसमें कुछ भी यूज करो, चाहे आप माइक्रोवेव मूड यूज करो, कन्वेंशन मूड यूज करो, या फिर ग्रिल में यूज करो, कुछ भी यूज करो, आपकी ये प्लेट हमेशा इसमें रहनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये वाली तो हमेशा रहेगी रहेगी। सबसे पहली चीज तो ये बता दी आपको मैंने। मैं इसको चालू करता हूं। सबसे पहले हमने इसको चालू किया, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे कुक मूड है, चारकोल मूड है, और ये बहुत सारे फंक्शन। कुक मूड में ही, मैं इस एलजी का बता रहा हूं, इसमें कुक मूड में ही सारे फंक्शन होते हैं। हो सकता है जो आपके पास माइक्रोवेव है उसमें कुक मूड अलग दिया हो, कन्वेंशन मूड अलग दिया हो, ग्रिल मूड अलग दिया हो। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे जब मैं एक बार क्लिक करता हूं ना, यहां पे देखिए आप, तो ये चला गया हमारा किसमें, माइक्रोवेव मूड में। माइक्रोवेव में क्या होता है, चीजें गर्म होती है, नॉर्मल तरीके से गर्म होती है। कितने वाट में आपको गर्म करना है, पानी गर्म करना है या सब्जी गर्म करनी, जो भी है। एक और बार इसको दबाऊंगा तो ये आ गया ग्रिल मूड, ठीक है। तो ये होता है ग्रिल, जिसमें आपको सैंडविच वगैरह बनाना है या कुछ भी ग्रिल करना है, जो भी है आप बनाते हैं, ग्रिल मूड आप समझते ही होंगे। अगला आता है हमारा कन्वेंशन मूड। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है, मेरा जो मेन फोकस है वो इसी पे है। मैं ना जो वीडियो का पर्पस है वो यही है कि आप जब कन्वेंशन मूड यूज करते हैं तो उसको प्री हीट कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप, फिर से बता देता हूं मैं, यहां पे देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे मैंने कैंसिल कर दिया, फिर से बता रहा हूं, यहां पे एक बार क्लिक किया तो ये अपना माइक्रोवेव, दूसरी बार क्लिक किया तो ग्रिल, तीसरी बार क्लिक किया तो ये कन्वेंशन मूड पे आ गया है। अब आपको कितने डिग्री पे रखना है, तो यहां पे मैं डिग्री सेट कर सकता हूं, यहां से इससे डिग्री सेट हो जाती है। देखिए ये डिग्री सेट हो जाती है, तो मैंने इसको सेट कर दिया 230 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत आ रही है, 230 डिग्री तो हो गया, पर इसको हम कैसे जो है प्री हीट करें। प्री हीट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद ये टाइमिंग पूछेगा आपसे, टाइमिंग आपको नहीं डालना है, आपको नॉर्मली इसको स्टार्ट कर देना है। तो ये देखिए अपने आप प्री हीट पे चला गया, 60 जो है 60 डिग्री पे भी ये है ना, 60 सेकंड या मिनट नहीं है, 60 डिग्री पे है। धीरे धीरे ये गर्म होता जाएगा, जब ये 230 पर पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये एक आवाज करेगा, उसके बाद आपसे ये टाइम पूछेगा। फिर आपसे ये टाइम पूछेगा कि आपको कितनी देर तक जो चीज आपको पकानी है वो टाइम आपको सेट करना होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से ये प्री हीट आपका काम करता है। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही पूरा 230 डिग्री तक पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिक आपके पास टाइम का ऑप्शन जाएगा, उसमें टाइम सेट कर देना कि 20-30 मिनट जितना भी है, और नॉर्मल स्टार्ट कर देना। अब बात आती है कि हमको प्री हीट नहीं करना, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम प्री हीट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं गया यहाँ पे किस पे, कन्वेंशन मोड पे, और यहाँ पे मैंने करा स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने डाल दी टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइमिंग डाल दूँ, नॉर्मल मैंने टाइमिंग डाल दी और स्टार्ट कर दिया, तो ये स्टार्ट हो गया। तो प्री हीट नहीं हो गया, ये डायरेक्ट फिर स्टार्ट हो गया। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जरूरी नहीं प्री हीट ही कर रहा हूँ, प्री हीट अच्छा होता है कर लो, तो आपका जो जो पका रहे हैं आप वो अच्छे से पक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। तो आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो इस वीडियो में मेरा मेन मकसद था कि इसको प्री हीट में कैसे लेके जाना है, काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो मैंने केवल ये वीडियो बनाई है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर वो वीडियो बना के दूंगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने को, तो धीरे धीरे आपको इसके बारे में वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। सभी में एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है यूज़ करने का बस, बाकी होता ऐसे ही है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।